हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू यादव 1112। ये वीडियो मैंने इसको बीच में दे दिया था। ये देखिए, ये मेरा छोटा भाई है, इसी के लिए मैं दौड़ के आई हूँ, एकदम बेचैन होके, एकदम पागल होके इसके पास में आई, रो रो के, तड़प तड़प के इसके पास आई छोटे भाई की वजह से। तो गाइस, ये तो हम भाई बहन का प्यार है। तो गाइस, मैं आज बनाने जा रही हूँ अपने पापा के लिए यूपी का, हाँ यूपी का ट्रेडिशनल फूड है ये। क्या है इसको, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं मेरे गांव में तो लपटा कहते हैं इसे, लपटा भी कहते हैं और डुबकी भी कहते हैं। तो मेरे पापा को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये सब खाना इनको मेरे हाथ से ही मिलता है, क्योंकि मेरा पसंद और मेरे पापा का पसंद सेम है। तो आज मैं अपने पापा के लिए बना रही हूँ डुबकी। तो गाइस, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा, तब तक मैं तैयारी कर लूँ। गाइस, पहले मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए, चावल हो गया। जब तक मैं मसाला ये बेसन पीसी, तब तक चावल मेरा पक के रेडी है। अब मैं मसाले का तैयारी करूंगी। मसाले में क्या क्या डालना है, इसमें मेन है जीरा। जीरा मैं सब इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, मसाले में है हरा मिर्चा, सूखा लाल मिर्चा और सूखा धनिया, जीरा और गोल काली मिर्च, लहसुन, मतलब ये डालते हैं। और भी मसाला लोग अपने हिसाब से डालते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही डाल रही हूँ। ये देखिए, इतना मैं मतलब उसमें ग्रेवी के लिए रख ले रही हूँ, बाकी इतने का मैं पकौड़ी तलूंगी। इसमें हल्का सा हल्दी और नमक भी हल्का ही डालेंगे, क्योंकि हम ग्रेवी में नमक डालेंगे तो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हल्का नमक डालेंगे और वो पिसा हुआ मसाला, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक हाथ से हो नहीं रहा गाइज, अभी इसको मैं मिक्स करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये मिक्सर रेडी है और इसको हम तलेंगे, छोटा छोटा ऐसे पकौड़ी हम बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, एकदम मीडियम साइज होना चाहिए। ये देखिए, मैं पकौड़ी तल रही थी, अचानक से पापा बुला लिए, तो मैं पता है गैस बंद करके आई हूँ पापा के साथ समोसा खाने। कोई कहेगा कि ये पेट के मरीज हैं, समोसा ला के खा रहे, और मुझे भी बुला लिए, खाना बाद में बनी, पहले समोसा पार्टी। आजा आरुष, एकदम छोटा छोटा समोसा, बुक लेके दौड़ा रही है। अरे बाबू, दो मिनट में लिख ले, दो मिनट जल्दी से लिख के खेल, कब से परेशान कर रहा है एक गंदा बच्चा, नानी की भी बात नहीं मान रहा है। पापा चटनिया मस्त दिख रहा खाना बनाने से छोड़ क्या है। जब नानी लिख रही है, देखो नानी लिख के दे रही है, तो ये बच्चा मैं लिखने के लिए मारी, मैं बोली मम्मी पढ़ा दे, ये खुद उसका होमवर्क कर रही है। गाइस देखिए, पकौड़ी बनके रेडी हो गए हैं, और अब हम कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे, और ये जो मसाला पीसी हूँ मैं पहले से, इसमें थोड़ा सा हम ये मिक्स मसाला है, बस एक चम्मच डालूंगी इसमें,
बस बहुत कम। और तेल देखिए गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी मेथी दाना। मेथी का तड़का बहुत अच्छा होता है, खास करके बालों के लिए, और मुझे मेथी बहुत पसंद भी है। शायद इसीलिए तो नहीं मेरा बाल इतना लंबा है। ऐसा कुछ नहीं है, तड़का जल गया है। ये मसाला डाल देंगे, अब इसको हम भूनेंगे। ये मसाला तब तक भुनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। ये देखिए मसाला एकदम भुन चुका है, और यहाँ पर मैं ये हमारे यूपी का कड़ी है, इसको पता है इसमें हम आम का जो सूखा हुआ खटाई नहीं होता है वो उस सर पना कुछ होता है, वो तो मैं नहीं खाई हूँ शायद, उस इसमें भी आम का खटाई डाल देते हैं खट्टा करने के लिए। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। गाइस ये जब पक जाए अच्छे से तब इसमें पकौड़ी डालिए और हींग डालिए, उसके बाद फिर ये बनके रेडी है। ये पापा को मैं टेस्ट कराई, पापा खा रहे हैं, पहले तो पापा को ही दिए, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। गाइज देखिए सच में बहुत टेस्टी बना है, मैं भी खा रही हूँ। और गाइज मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट गाइज, बाय बाय, थैंक यू।